दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक और नया ऑफर बताऊंगा। दोस्तों अगर आप इस ऑफर को अप्लाई करते हो तो आपको 300 रुपये कैशबैक मिल जाएगा आपके पेटीएम वॉलेट पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफर कहाँ से आ रहा है और इस ऑफर को आपको कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद मैं आपके सामने इस ऑफर को अप्लाई करके कैशबैक लेके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों ऑफर जो है आ रहा है paisaoffers.com की तरफ से। अगर आप paisaoffers.com पे जाके कोई भी कंपनी का 5 GB का खरीदते हैं 50-50 रुपये के अमाउंट का और उसका पेमेंट करने तक अपने पेटीएम पे UPI के थ्रू, तो उसके लिए आपको पेटीएम वॉलेट पर 30 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपके सामने इस ऑफर को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। दोस्तों ऑफर को अप्लाई करने के लिए आपको paisaoffers.com का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर पर जाके। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे एक छोटा सा बैनर दिखेगा गेट दिस पैक, उस बैनर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस बैनर पर क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारी कंपनी के गिफ्ट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक जरूरी बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप 30 रुपये का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अमेज़न का ही गिफ्ट कार्ड खरीदना पड़ेगा। अगर आप पेटीएम का गिफ्ट कार्ड खरीदेंगे तो आपको 10-12 रुपये का ही फायदा होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे अमेज़न का गिफ्ट कार्ड बाय कर लेता हूँ। उसके लिए अमेज़न वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे 50 वाला क्लिक कर देना है और मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं उसके बाद फिर से आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपके सामने एक पेमेंट का पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको अपना UPI ID एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए मैं आपको फटाफट अपना UPI ID एंटर कर देता हूँ जिस UPI ID से आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे चलिए मैं फटाफट अपना पेटीएम वाला UPI ID एंटर कर देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने आपने यहाँ पे अपना पेटीएम वाला UPI ID एंटर कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपने जो UPI ID एंटर किया है उस UPI ID पे यहाँ पे एक पेमेंट रिक्वेस्ट जाएगा, उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके लिए आपको पेटीएम में जाना है। पेटीएम में जाने के बाद आपको यहाँ पे UPI वाले अपने बैंक ऑप्शन पे जाके UPI वाले ऑप्शन पे जाना है, वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट दिख जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट रिक्वेस्ट आ गया है। उसके लिए आपको आपको यहां पे वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको पिक अप करना है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे अपना MPIN दे देना है। उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन को कम्प्लीट करना है। जैसे यहां पे आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है वहां पर आपका भी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि यहां पे देख पा रहे हैं अभी प्रोसेसिंग दिखा रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में पेमेंट जैसे ही कटेगा यहां पे सक्सेसफुल दिखा देगा। दोस्तों जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां पे मेरा गिफ्ट कार्ड सक्सेस हो चुका है। यहां पे देख पा रहे हैं, उसके बाद यहां पे गो टू माय अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहां पे देख सकते हैं कि मेरा 50 रुपये का गिफ्ट कार्ड आ गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि मेरा यहां पे एक नंबर 50 रुपये वाले जो गिफ्ट कार्ड कंपनी भी दिखा रहा है, यानी मैंने पहले। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने पेटीएम में जाना है, वहां पे एक ऑफर दिखेगा, उस ऑफर को सबसे पहले आपको एक्टिवेट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ही आप अपने पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करें, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कैशबैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे माई ऑफर पे जाना है। जैसे ही आप माई ऑफर पे जाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऑफर दिख जाएगा कि गेट 30 रुपये कैशबैक। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिवेट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्टिवेट वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपका ऑफर एक्टिवेट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप paisaoffers.com पे फर्स्ट पेमेंट कंप्लीट कर ले, आपको चार पेमेंट और भी कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। फिर से आपको बैक दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक करके यहाँ पे चार गिफ्ट कार्ड खरीद लिया है और मुझे यहाँ पे चारों ट्रांजेक्शन काउंट हो चुका है। मुझे एक ट्रांजेक्शन और कंप्लीट, यानी एक गिफ्ट कार्ड 50 रुपये का एक और खरीदना है और मुझे 50 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा, 30 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। तो चलिए मैं ये प्रूफ के लिए आपके सामने ये लास्ट ट्रांजेक्शन यानी लास्ट गिफ्ट कार्ड खरीद के दिखा दे रहा हूँ। उसके लिए फिर से आपको यहाँ पे paisaoffers.com वाले एप्लीकेशन पर जाना है, उसमें इस बैनर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अमेज़न वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको अमाउंट और 50 वाले गिफ्ट कार्ड के मेक पेमेंट प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे अपना पेटीएम वाला UPI ID एंटर कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट अपना UPI ID एंटर कर देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने अपना UPI ID एंटर कर दिया, उसके बाद फिर से पे नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करके फिर से हमारे पेटीएम UPI ID पे पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट वहाँ से अपना पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। चलिए आपको पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे
पेंट वाले ऑप्शन पे जाना है और अपना ग्रीन पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक्चर दिख जाता है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पैसा वापस की तरफ से फिर से यहाँ पे 50 रुपये का रिक्वेस्ट आ चुका है। वहाँ पे हमको पे ऑल बटन पे क्लिक करके और अपना एम पिन दे के ट्रांजेक्शन को भी कंप्लीट कर लेना है। तो अभी प्रोसेसिंग दिखा रहा है लेकिन थोड़ी देर में ट्रांजेक्शन मेरा कम्प्लीट हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग अभी दिखा रहा है और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। तो चलिए मैं आपको ऑफर वाले पेज पे ले चल के दिखा देता हूँ। चलिए मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गिफ्ट कार्ड भी मुझे सक्सेसफुल मिल गया है। तो चलिए मैं आपको माई अकाउंट वाले ऑप्शन पर चल के दिखा देता हूँ कि मैंने 5 गिफ्ट कार्ड खरीद लिए हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 5 गिफ्ट कार्ड खरीद लिए हैं आपके सामने, 1, 2, 3, 4, 5। तो चलिए मैं आप आपको पेटीएम पे ले चल के दिखा देता हूँ कि मुझे कैशबैक मिला है कि नहीं। चलिए होम वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पे कैशबैक वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे कैशबैक मिल गया। यहाँ पे देख सकते हैं पैसा वापस .com वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 5 गिफ्ट कार्ड खरीदे जिसके लिए मुझे 30 रुपये का कैशबैक मिल चुके हैं, वो भी इंस्टेंट। अब चलिए मैं आपको पासबुक पे ले चल के भी दिखा देता हूँ कि मुझे कैशबैक मिला है कि नहीं। कैशबैक होना है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे कैशबैक रिसीव हो चुका है 30 रुपये यहाँ पे। और दोस्तों पैसा वापस .com ID भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऑफ़र आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।